हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आप लोगों के पास अभी एक बहुत अच्छा मौका है इग्नू से पीएचडी करने का, बिकॉज इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और अगर यहाँ से पीएचडी करोगे तो डेफिनेटली काफी एडवांटेज होगा आपको इस चीज़ का। और मैं बता दूँ कि इग्नू से जो पीएचडी होती है वो रेगुलर मोड में करवाई जाती है, बिकॉज इंडिया में ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड से भी पीएचडी अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर इग्नू से आपको रेगुलर मोड में पीएचडी करवाई जाती है। वैसे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर एक कंप्लीट वीडियो बना दीजिए जिसमें हमें कंप्लीट चीज़ें एक्सप्लेन कर दीजिए कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस कितनी लगेगी हमारी, क्या स्कॉलरशिप अवेलेबल है, किस किस सब्जेक्ट में हम पीएचडी कर सकते हैं, इसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, कैसे एंट्रेंस की तैयारी करें, एप्लीकेशन फीस कितनी है और एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा गया इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में, दैट इज कि क्या हमें क्लासेस लेने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। तो इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है मैं आपको आज की इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जो है इनका इग्नू पीएचडी का वो मैं आपको यहाँ पर आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि केवल इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए कंप्लीट देख लें। स्किप करोगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, फिर आपको दोबारा कमेंट करोगे कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा से बता दीजिए। तो आप विदाउट स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी और सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तभी आपको नोटिफिकेशन नहीं आते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आपसे मिस हो जाती हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिकॉज ना सिर्फ यहाँ पर आपको पीएचडी से रिलेटेड बल्कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इन सभी से रिलेटेड चीजें जो है आपको यहाँ पर अपडेट मिलते रहेंगे। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके सो गाइस, देखिए इग्नू ने जो अभी जुलाई 2022 का सेशन है पीएचडी का उसके फॉर्म आउट हो चुके हैं। और मैं पहले बता दूं कि जो ये एग्जाम था पहले लास्ट ईयर एनटीए ने कंडक्ट किया था, और एनटीए आपको पता है कि हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम बहुत ही लेट कंडक्ट करवा पाए हैं और बहुत सारे एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे थे, इस वजह से ये इग्नू का जो पीएचडी वाला एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं करवा पाए इस साल, और इसी वजह से चीजें बहुत ज्यादा डिले हो गई हैं। और डिले हो गई है इसी वजह से इग्नू ने सोचा कि अब अगर डिले होगा तो फिर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा, और इस वजह से इग्नू ने खुद ने प्लान किया अब जो एग्जाम लिया जाएगा वो इग्नू खुद कंडक्ट करवा रहा है और कोई भी अदर एजेंसी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। पहले जस्ट ये क्लियर कर दूं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं। अच्छा, मैं पहले इंपॉर्टेंट डेट बता दूं कौन कौन सी डेट को क्या क्या होने वाला है। 8 जनवरी 2023 को एग्जाम होगा इसका, एंट्रेंस एग्जाम जो है इसकी डेट पहले अनाउंस कर दी गई है, संडे का दिन होगा, 8 जनवरी 2023 को एग्जाम होगा। तो आपके पास, क्योंकि अभी नवंबर का मंथ है, 22 नवंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपके पास दिसंबर है और जनवरी की स्टार्टिंग हो जाएगा, मतलब आप ऑलमोस्ट आपके पास 1.5 महीना है, 1 महीना और 15 दिन के आसपास आपके पास टाइम है। तो डेफिनेटली इसमें भी काफी कुछ किया जा सकता है अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे तो। इसके अलावा गाइस देखिए, यहाँ पर एडमिशन का जो क्राइटेरिया है वो यही है कि आपका जो रिटन एग्जाम है उसकी 70% की वेटेज होगी, 30% की इंटरव्यू की वेटेज होगी, और फिर मेरिट मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बेस पे आपका एडमिशन होगा। 50% आपको मिनिमम लाने ही पड़ेंगे इनके एग्जाम में, ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं गाइस। जैसे सपोज करो 100 क्वेश्चन पूछे गए तो इसमें 50 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, तब जाके आप मानना कि आपका पीएचडी में आप आई मीन उस लिस्ट में कंसिडर किए जाओगे जिस लिस्ट में मेरिट मेरिट बनेगी। और मतलब सिर्फ 50% लाने से इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन हो जाएगा, 50% का मतलब है कि दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया। जैसे 10th 12th में होता था ना कि 100 में से 33 नंबर लाओगे तो पास हो गए, अब पास तो हो गए लेकिन कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा 33 नंबर पे, कॉलेज में एडमिशन मिलेगा 80% 90%, समझ रहे हो। तो कॉलेज में तो मेरिट लिस्ट बनेगी लेकिन पास आप इतने में ही हो जाओगे, तो सिर्फ पास होने से काम नहीं चलेगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम भी आना चाहिए। तो इसलिए मिनिमम आपको इतना स्कोर करना ही पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम में, इसके बाद आपको मेरिट लिस्ट में भी आना पड़ेगा और मेरिट लिस्ट जो होगी वो आ जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आप एग्जाम देंगे तो चीजें आपको और अच्छी समझ में आएंगी। इसके अलावा गाइस देखिए, अवेलेबिलिटी जो है इन्फॉर्मेशन ब्राउचर 20 नवंबर और ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 नवंबर से स्टार्ट हुए हैं, मैं 22 नवंबर को वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट डेट अप्लाई करने की 20 दिसंबर, 20 दिसंबर लास्ट डेट है, मतलब नेक्स्ट मंथ, अभी नवंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर के 20 तारीख की लास्ट डेट रहेगी और एग्जाम 8 जनवरी को होगा। सो गाइस दीज आर दी जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि आई थिंक आप सभी को पता होगा। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगा, दैट इज की दीज आर दी कॉन्टेक्ट नंबर, आप इस कॉन्टेक्ट नंबर को जरूर सेव कर लें, 0112957 1984। अभी ये याद रखना ये एनटीए का नंबर नहीं है, ये इग्नू का नंबर है और ये आपका फोन जरूर उठाएंगे, ये आपको वैसे परेशान नहीं करेंगे जैसे एनटीए वाले करते रहते हैं। तो इसके लिए गाइज यहाँ पर इसके अलावा एक नंबर और गिवन है, इन दोनों नंबर को आप अपने मोबाइल फोन में सेव कर लीजिए, इनकेस अगर आपको पीएचडी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप इसी नंबर पे कॉल करें जो नंबर यहाँ पर गिवन है, बिकॉज ये डेडिकेटेड तरीके से इग्नू पीएचडी के लिए ही यहाँ पर बनाए गए हैं।
क्लियर हो गया चीजें यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके सो गाइस देखिए यहाँ पर यूजीसी ने कहा था कि जो आपका एंट्रेंस का सिलेबस होगा वो क्या होना चाहिए। तो यूजीसी के अकॉर्डिंग जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मिनिमम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा, और जिसमें बोला गया था कि 50% रिसर्च मेथोलॉजी पूछी जाएगी और 50% पूछा जाएगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो ये दो चीजें जो है आपके एंट्रेंस सिलेबस का पार्ट है। अच्छा किस किस सब्जेक्ट में आप कर सकते हो उसके लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगा अभी, तो आप बस 1 मिनट और रुक जाओ, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइस देखिए आप 50 जो 50% के वेटेज है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी की, 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो इनकी स्टडी कैसे करनी है, कैसे प्रिपेयर करना है उसकी बात भी करेंगे हम। पहले मैं आपको और चीजें बता दूं, देन उसके बाद हम बात करेंगे इसकी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री अगर आपके पास है विद मिनिमम 55% मार्क्स तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और SC ST OBC हो तो 50% जैसा कि होता है हर जगह, तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर पाओगे यहाँ पर PhD के लिए। देखिए सिलेक्शन जो है उसके दो स्टेज हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2 करके है, दो स्टेज यहाँ पर रखी गई हैं। तो पहले स्टेज में आपको पता है कि एंट्रेंस टेस्ट होगा, एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा, और सेकंड स्टेज में आपका जो है इंटरव्यू होगा। अच्छा स्टेज 1 जो है जिसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, इसमें मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 50% आपको स्कोर करना ही पड़ेगा ताकि आप क्वालिफाई कर पाए। क्वालिफाई करने के बाद अगर आपने एक बार क्वालिफाई कर दिया देन उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, उस मेरिट लिस्ट में आपको टॉप में आना पड़ेगा तब जाके आपका एडमिशन हो पाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। और ये जो 50% का क्राइटेरिया है मिनिमम, ये 45% है SC ST OBC के लिए। ₹1,000 फीस है, और आई थिंक यहाँ पर SC ST कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आई थिंक सभी को ₹1,000 ही पे करना है, कोई SC ST कोई को यहाँ पर किसी को कंसेशन नहीं दिया गया है। तो ये है गाइज। इसके अलावा जो स्टेज 2 है वो इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन है, तो आप देख लेना कि आपका इंटरव्यू होगा या फिर प्रेजेंटेशन होगा सिनॉप्सिस का, तो एक बार अपना गो थ्रू कर लेना। वैसे यहाँ पर नीचे मेंशन होगा इन चीजों के बारे में, आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजें मेंशन होती हैं, तो आप इनको भी गो थ्रू कर लेना एक बार। और ऑफर लेटर आपके घर पे आ जाएगा, अगर आपका एडमिशन सिलेक्ट अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा मैसेज या ईमेल या फिर किसी भी चीज के थ्रू। तो वो तो खैर बात की बात है, पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम में अपियर होना है। ओके तो गाइज अब मैं कवर करूंगा वो एग्जाम सिटी जहां पे आपका एग्जाम लिया जाना है। तो आई थिंक इंडिया के सभी स्टेट में एग्जाम होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया तो इंडिया के ऑलमोस्ट सभी सिटीज में आपका एग्जाम सेंटर होगा, जहां पर भी आप एग्जाम सेंटर फिल करोगे तो वहां पर वहीं पे आपका एग्जाम जो है कंडक्ट करवा दिया जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी स्टेट और सभी यहाँ पर शहर हैं बड़े बड़े इंडिया के। इसके अलावा गाइस अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है। तो इग्नू में अब सब्जेक्ट की लिस्ट बताऊंगा मैं कौन कौन से, यहाँ पर डिसिप्लिन लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी, मतलब कौन एलिजिबल है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी लिखी हुई है कि किस सब्जेक्ट में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, तो ये चीज भी आप चेक कर लेना। अब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा और आप यहाँ पर चेक करते रहना। और अगर सपोज करो इकोनॉमिक्स अगर आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पर नंबर भी गिवन है, तो अगर आप चाहो तो अगर ओनली इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, सोशियोलॉजी के हो तो नंबर यहाँ पर गिवन है, तो जिस भी डिपार्टमेंट से हो आप डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट में कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है जिसमें 10 आपके सब्जेक्ट होते हैं, आई मीन 10 यहाँ पर सीट्स अवेलेबल है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, साइकोलॉजी है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, थिएटर आर्ट है, फाइन आर्ट्स है, डांस है, कॉमर्स भी अवेलेबल है यहाँ पर, मैनेजमेंट भी अवेलेबल है। कॉमर्स की 12 सीटें हैं और मैनेजमेंट की 14 सीटें अवेलेबल है। एजुकेशन की 22 सीट्स हैं, अच्छी खासी सीटें हैं। डिस्टेंस एजुकेशन की 15 सीटें हैं। इसके अलावा जेंडर डेवलपमेंट स्टडीज की 5 सीटें हैं। इंटर डिसिप्लिनरी ट्रांस डिसिप्लिनरी स्टडीज है, डेयरी साइंस हो गया, डेवलपमेंट स्टडीज हो गया, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज मैनेजमेंट हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, नर्सिंग हो गया, फ्रेंच हो गया, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग हिंदी हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया। और इसके अलावा होम साइंस भी अवेलेबल है यहाँ पर, 5 सीटें हैं। रूरल डेवलपमेंट है, सोशल वर्क है। सो गाइस दीज आर दी सब्जेक्ट जो कि अवेलेबल है। अब अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो आप यहाँ पर इसका मतलब है कि आप इग्नू में अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं और नहीं कर सकते, आप अदर यूनिवर्सिटीज में ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपका कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी में तो हो ही जाएगा। अच्छा मैं एक बात बता दूं इससे पहले आप वीडियो छोड़ के जाएं, देखिए 50% रिसर्च मेथोलॉजी आती है और 50% आती है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो ये जो क्राइटेरिया है वो तो होता ही है, रिसर्च मेथोलॉजी तो कॉमन है, आपसे पूछी ही जानी है एंट्रेंस एग्जाम में, और 50% आपका सब्जेक्ट का वहां से पूछा जाता है। तो गाइज देखिए इन चीजों को ध्यान में रख करके हमने आपके लिए क्रैश कोर्स डिजाइन किया है जो कि रिसर्च मेथोलॉजी है फॉर PhD एंट्रेंस एग्जाम। बहुत ही नॉमिनल से फीस है, इस नॉमिनल से फीस पे आपको यहाँ पर कंप्लीट क्रैश कोर्स अवेलेबल करवाया जा रहा है, और मैं इसकी फीस बढ़ सकती है दोबारा से, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जो इसकी ओरिजिनल फीस है वो 1,999 है, लेकिन इसकी फीस कम करके 699 अभी रखी गई है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो रिसर्च मेथोलॉजी की तैयारी करने का PhD एंट्रेंस के लिए, तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये रिसर्च एप्टीट्यूड नहीं है जैसा आपका UGC नेट में होता है, वो नहीं है, यहाँ पर बहुत ही इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे रिसर्च के, तो
तो ये काफी डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, और अगर यहाँ पर आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा, इन चीजों को बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो गाइस देखिए, इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको यहाँ पर ना सिर्फ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, बिकॉज एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है आज के टाइम पर, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स हैं, अलग से एमसीक्यू की एक पीडीएफ मिलेगी जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और रिसर्च के कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो इंग्लिश की पीडीएफ भी है और साथ में हिंदी की पीडीएफ आप देखेंगे नीचे की साइड में गिवन है, तो किसी भी सब्जेक्ट किसी भी लैंग्वेज से आप बिलोंग करते हो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज के जो स्टूडेंट हैं वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, ये यूजीसी नेट मेंटोर की एंड्रॉइड ऐप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करनी होगी, यहीं पे आपको कंप्लीट कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, सो फटाफट से स्टार्ट कर लीजिए। अब आते हैं गाइस दोबारा से अपने टॉपिक पे और मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर सिलेबस गिवन है, हर एक टॉपिक का अलग से सिलेबस गिवन है। जैसे यहाँ पर आपका इकोनॉमिक्स वाला सब्जेक्ट है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इकोनॉमिक्स में आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, सिलेबस गिवन है। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और जो रिसर्च मेथोलॉजी दैट इज कॉमन फॉर ऑल वो तो सभी में पूछी जानी है, तो आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो कि इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में गिवन नहीं थी। पहली चीज़ तो ये कि क्या क्लासेस लेने के लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा, तो हाँ गाइस, क्योंकि ये रेगुलर डिग्री है, ये आपके रेगुलर डिग्री है इस वजह से आपको दिल्ली आना पड़ेगा। जो दिल्ली में कैंपस है इग्नू का, जो कि इंदिरा ये जो आपकी फोटो लगी हुई है ना, ये भी वहीं की है। कहाँ की है ये? ये है मैदान गढ़ी, मैं आपको बता दूं, ये है मैदान गढ़ी जो कि दिल्ली में है, और ये साकेत मेट्रो स्टेशन के पास में है, तो वहां पर आपको क्लासेस लेने आना होगा। आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा, और पीएचडी करने के लिए आपको स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने आपको रेगुलर क्लासेस लेनी पड़ती हैं, इस वजह से आपको यहाँ आना पड़ेगा। कोर्स वर्क मतलब कहने का, कोर्स वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कभी कभी आना पड़ेगा, फिर रेगुलर नहीं आना पड़ता, फिर आपको कभी कभी आना पड़ेगा जब भी आपके आपको गाइड बुलाएंगे, जो आपको गाइड करते हैं तब जब वो बुलाएंगे तब आना पड़ेगा, नहीं तो आपको स्टार्टिंग में 3-4 महीने तो आपको आना ही पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि ये जो डिग्री आपकी रेगुलर डिग्री है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था कि सर क्या फेलोशिप या स्कॉलरशिप मिलेगी? तो 100% फेलोशिप आपको मिलेगी अगर आपका जेआरएफ हो रखा है तो। जेआरएफ में कितना मिलता है? 38,000 के आसपास मिलता है आपको, है ना, तो वो अमाउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब हमारा नेट हो रखा है तो क्या हमें स्कॉलरशिप मिलेगी? तो गाइस देखिए, अगर नेट हो रखा है तो स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर कुछ इनसे कम मिलती है, कुछ 8 से 10 हज़ार रुपये के आसपास मिलते हैं। और इसके अलावा अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं भी है और अगर आप रेगुलर पीएचडी करोगे, पार्ट टाइम नहीं करोगे, अगर आप रेगुलर पीएचडी करोगे तो उस केस में भी आपको इग्नू कुछ अमाउंट की, आई थिंक 7-8 हज़ार रुपये के आसपास उनको भी स्कॉलरशिप दी जाती है। तो स्कॉलरशिप अवेलेबल है अगर आप रेगुलर पीएचडी करोगे तो, डेफिनेटली आपको भले छोटे अमाउंट में मिले लेकिन मिलेगी जरूर आपको स्कॉलरशिप। आई होप अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, वहां पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और अगर बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं डाउट वाले तो उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको चीजें और अच्छे से मैं समझा सकूं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अभी क्या करना है आपको, फटाफट से जाइए और इस यूजीसी नेट मेंटोर एंड्रॉइड ऐप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करिए, यहाँ पे आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड क्रैश कोर्स मिल जाएगा। स्टार्ट कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन ताकि आपका एग्जाम जो है वो सिंगल अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी फ्रेंड के साथ ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले कि क्या किस तरीके की चीजें यहाँ पर हो रही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।